ഒഡീഷയിൽ 21 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിലും ബിജെപി വിജയിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ. ഒഡീഷയിലെ ധൻഗരിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപിയുടെയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും തരംഗമാണുള്ളത്. അധികാരമാറ്റത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷമാണ് ഒഡീഷയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ പറഞ്ഞു. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मिडिल मैनशिप कौन करते हैं ये देश को मालूम है. उनकी सारे आला नेता चाइनीज कांग्रेस पार्टी की ही प्रवक्ता जैसे काम करते हैं. उनकी उनको भरोसा ज्यादा, उनकी युवराज राहुल गांधी को ज्यादा भरोसा चाइनीज डिप्लोमेट पे है, भारत की प्रशासनों पे नहीं है. ये प्रमाणित करता है ये लोग चाइना की बात करते हैं. दोनों ही प्रमुख मुद्दे हैं. विकास को बीजेपी बड़ा मुद्दा करता है. पीने को पानी नहीं है, खेतों में पानी नहीं है, शिक्षक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, एक तिहाई आबादी घर छोड़ के बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं. ये उड़िया अस्मिता का विषय, यही वो प्रमुख मुद्दा है. दूसरी ओर रत्न भंडार हम सभी के श्रद्धा के विषय है. महाप्रभु जगन्नाथ जी की रत्न भंडार की चाबी आखिर गया कहाँ? क्या कुछ लोग हमारे ऊपर कांची विजय में, हमारी पूर्वजों ने, हमारी राजा ने जो कांची विजय करके संसाधन यहाँ लाए थे, क्या उसी को ले जाने का बड़ा षड्यंत्र रचा गया है? बीजू जनता दल को उत्तर देना पड़ेगा. हाईकोर्ट की ऑर्डर के बाद वो रत्न भंडार खोल क्यों नहीं रहे हैं? किसको बचाना चाहते? क्या उसमें से दिक्कत उनको है? यही प्रमुख विषय. हमारी श्रद्धा पे वो चोट पहुंचाते हैं तो उनको उत्तर देना पड़ेगा.